Hello students in the last video we had discussed the first topic of life processes named nutrition in that section we had discussed about modes of nutrition now in this in this section we will be discussing about nutrition in green plants green plants we know that green plants are autotrophs green plants perform the process of photosynthesis सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फोटोसिंथेसिस वॉट इज़ फोटोसिंथिस फोटोसिंथिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई यूजिंग सिंपल रॉ मटीरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटो सिंथिस वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये रॉ मटेरियल्स सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से कंबाइंड होकर फूड का फॉर्मेशन करते हैं लेट्स सी द रिएक्शन सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट कंबाइंड विद टू ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज This C6S12O6 is actually the formula of glucose, which is it is actually a food made by the plants at during the process of photosynthesis. Six molecules of oxygen is also released during photosynthesis, six molecules of water, which is एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वाटर गेट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथिस आपने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो केमिकल सब्सटेंसिस आपस में कम्बाइन करते हैं इन केमिकल सब्सटेंसिस का कॉम्बिनेशन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ है जिससे ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स ने फूड का फॉर्मेशन किया है साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज रिलीज हुई है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस होती है नाउ वी विल डिस्कस वॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथिस के समय कौन से वो स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और इस पूरी प्रोसेस को प्रोसीड कराते हैं कंप्लीट करते हैं देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नंबर वन इज एब्सॉर्बशन ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल पिगमेंट्स वॉट आर दिज क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर एक्चुअली द ग्रीन कलर पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स स्पेसिफिकली इन ग्रीन लीव्स ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं इन द सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी सेकेंड स्टेप में यही एब्जॉर्ब की हुई सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी दिस सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन टू ए टी पी ए टी पी इज adenosine triphosphate it is actually a chemical which store energy that's why we may call it as the form of chemical energy clear conversion of solar energy to chemical energy it means atp is produced in the steps during photosynthesis at the same time breakdown of water molecules into hydrogen and oxygen सोलर एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं और ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इज दिस क्लियर टू यू एवरी द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का तो ब्रेकडाउन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं दिखा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप केमिस्ट्री में लर्न करेंगे अच्छे से रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और रिडक्शन का मतलब होता है अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिलीज होती है तो हम कहते हैं उस केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली सी ओ टू और ये रिड्यूस्ड होती है ग्लूकोज में ग्लूकोज का फॉर्मूला है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस्ड होता है यानी उसमें हाइड्रोजन एड होता है कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो थर्ड स्टेप में फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होती है और इसके रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इज दिस क्लियर टू यू एवरी वन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट रॉ मेटीरियल एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वॉट आर द रॉ मेटीरियल एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं कौन सी कंडीशंस हैं ये कंडीशंस कहाँ से अवेलेबल हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दीज टू अदर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल्स और कंडीशंस रिक्वायर्ड ये दो अलग अलग सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रॉ मटीरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं जबकि कंडीशन रिक्वायर्ड में सनलाइट और क्लोरोफिल आती है सो नाउ डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैशियस फॉर्म ऑफ कार्बन दिस गैस इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमोस्फियर में प्रेजेंट होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लैंड प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से एटमॉस्फेयर से ऑप्टेन करते हैं आपको पता है लैंड प्लांट के अलावा एक्वाटिक प्लांट्स भी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं ये एक्वाटिक प्लांट्स वाटर से डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ऑप्टेन करती हैं एक बार फिर से समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजोल्ड कंडीशन में भी होती है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को लैंड प्लांट्स लेती हैं और वाटर के अंदर जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्वेटिक प्लांट्स लेती हैं लैंड प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक पर्टिकुलर पार्ट part होता है एक ऑर्गेन होता है प्लांट की बॉडी में जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं स्टोमेटा के बारे में अभी आप आगे डिस्कस करूंगी मैं स्टोमेटा जो है एक टाइनी पोर होता है जो कि स्पेशली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है वहीं से स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं और एटमोस्फियर से या फिर वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं क्लियर टू यू एवरी वन स्टोमेटा की पोर्स बेसिकली डे टाइम पर ओपन होती हैं ज़्यादातर प्लांट्स में मोस्टली स्टोमेटल पोर्स गेट ओपन ड्यूरिंग डे टाइम बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं या कुछ स्पेशल केसेस भी होती हैं और यही स्पेशल केसेस बेसिकली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं स्पेशल केस की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो फिटिक प्लाट्स ज़ीरो फिटिक प्लांट्स जो कि डेजर्ट प्लांट्स होती हैं डेजर्ट में वाटर की शॉर्टेज होती है एक एग्जाम्पल में हम सक्यूलेंट्स का भी लेते हैं एग्जाम्पल जो कि वाटर कंटेंट को स्टोर करके रखती हैं जैसे आपने एलोवेरा का नाम सुना है एलोवेरा एक जीरो फिटिक प्लांट होने के साथ साथ एक सक्यूलेंट है वाटर को स्टोर करके रखता है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की जो स्टोमेटा होती है या स्टोमेटा की जो पोर्स होती हैं वो नाइट टाइम पर ओपन होती हैं बेसिकली हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि स्टोमेटल पोर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर डे टाइम पर ओपन होती हैं लेकिन अगर हम ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो स्टोमेटा की जो पोर्स होती हैं वो नाइट टाइम पर ओपन होती हैं देन हाउ डू प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जीरो फिटिक प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं नाइट टाइम में तो सनलाइट नहीं होती यस yes, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में भी डे टाइम पर ही होता है लेकिन ये प्लांट्स नाइट टाइम पर जब इनकी स्टोमेटा ओपन होती हैं उसी समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं स्टोर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इनकी ही बॉडी के अंदर इनके सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जब डे टाइम में स्टोमेटा पोर्स ओपन क्लोज हो जाती हैं और सनलाइट अवेलेबल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट था वो ब्रेकडाउन होकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट्स उसको यूज करके को भी कर उनकी स्टोमेटा नाइट में ओपन होती हैं यानी उनका जो फोटोसिंथेसिस करने का पूरा प्रोसेस है, है तो वो डे टाइम पर लेकिन थोड़ा डिफ, डिफरेंट है ऐसे प्लांट्स को जिनमें स्टोमेटा नाइट टाइम पर ओपन होती हैं और वो अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म डे टाइम पर ही करते हैं ऐसे प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं इज दिस क्लियर टू यू एवरी वन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टोमेटा एंड इट्स स्ट्रक्चर स्टोमेटा का नाम आप बार बार सुन रहे हैं आपको स्टोमेटा के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए स्टोमेटा इज दीज आर द टाइनी पोर्स स्टोमेटा आर एक्चुअली टाइनी पोर्स विच आर सराउंडेड बाई टू बीन शेप्ड सेल्स एंड फ्यू एसेसरी सेल. व्हाट डज इट मीन स्टोमेटा एक्चुअली में टाइनी पोर्स होती हैं और ये टाइनी पोर्स दो बीन शेप्ड सेल्स से सराउंडेड होती हैं बीन शेप्ड मींस किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं इन बीन शेप्ड सेल्स को हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं और ये बीन शेप्ड सेल्स जो होती हैं अगेन दीज टू सेल्स आर सराउंडेड बाई सेवरल एसेसरी सेल्स तो मैंने कहा स्टोमेटा टाइनी पोर्स होती हैं और ये पोर्स ओपन भी होती हैं और ये पोर्स क्लोज भी होती हैं इन दिस फिगर वन डायग्राम इज शोइंग ओपन स्टोमैटल पोर एंड अनदर वन इज शोइंग क्लोज स्टोमैटल पोर इन बीन शेप्ड सेल्स को हम क्या कहते हैं गार्ड सेल्स जब डे टाइम पर स्टोमेटल पोर्स ओपन होती हैं तो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स की मदद से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑक्सीजन इन सभी चीज़ों का एक्सचेंज करती हैं क्लियर दिस पॉइंट और इस्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाती हैं तो इनका एक्सचेंज बंद हो जाता है अब बात आती है कि स्टोमेटल पोर्स ओपन और क्लोज्ड कैसे होती हैं तो स्टोमेटा के पोर्स को ओपन और क्लोज होने में इस गार्ड सेल्स का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कि हर सेल के अंदर से कुछ सेल एप या तो बाहर जाती है या फिर कुछ सॉल्वेंट्स अंदर भी आ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है गार्ड सेल्स भी एक तरीके की सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स में अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ज़्यादा हो जाती है वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से गार्ड सेल्स स्वेलप कंडीशन में आ जाती हैं और इन स्वेलप कंडीशन ऑफ़ गार्ड सेल्स को हम टर्जिट कंडीशन कहते हैं टर्जिट कंडीशन का मतलब है कि अगर गार्ड सेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या अदर सॉल्वेंट एंटर कर जाते हैं तो गार्ड सेल्स अप हो जाती हैं जिसे हम टर्जिट कहते हैं टर्जिट होने की वजह से इनकी जो इनर वॉल होती है वो स्ट्रेच हो जाती है और स्ट्रेच होने की वजह से स्टोमेटा की पोर्स ओपन हो जाती हैं क्लियर नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टोमेटा की पोर्स क्लोज कैसे होती हैं किसी भी रीज़न से रीज़न आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर कौन सा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से गार्ड सेल्स में बाहर की सेल से वाटर एंटर किया है इसी तरीके से अगर यही वाटर रिवर्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दे यानी कि एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर होनी हो शुरू हो जाए तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है और गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक शुरू हो जाती हैं। जब guard cells जो है हो हो जाती हैं, हैं। उस समय pores closed हो जाते तो आपने एक बहुत बड़ी चीज यहां पर सीखी है कि के pores का ओपन होना और स्टोमेटा के पोर्स का क्लोज होना डिपेंड करता है गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पर अगर गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में हैं तो स्टोमेटा की पोर्स ओपन रहती हैं अगर गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में हैं तो स्टोमेटा की पोर्स क्लोज हो जाती हैं क्लियर टू यू एवरी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल की और नेक्स्ट रॉ मटेरियल है वाटर सब जानते हैं कि वाटर प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर इज एब्ज्जॉर्ब फ्रॉम सॉयल बाय रूट्स प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें रूट्स का मेन पार्ट होता है मेन रोल होता है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल सॉयल को ये एब्जॉर्ब करती हैं एब्जॉर्बन करने के बाद रूट्स की जो सेल्स होती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज़ प्लांट्स के हर एक पार्ट में चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लीफ हो आपको पता है कि एक स्पेशल टिश्यू होती है जो जाइलम टिश्यू कही जाती है और जाइलम टिश्यूज का काम होता है टू कंडक्ट वाटर अलोंग विद मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो ये रॉ मटेरियल प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कहां से मिलता है दिस रॉ मटेरियल इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉयल बाय रूट्स क्लियर हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर लिया अब हम आते हैं वॉट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमने ये डिस्कस किया कि टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट एंड क्लोरोफिल सनलाइट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सनलाइट का जो विजिबल लाइट होती है जिसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट होती है वो सेवन कलर्स से बनी होती है और उन सेवन कल सेवन कलर्स ऑफ विजिबल लाइट को हम विब के नाम से जानते हैं विब ग्योर सेवन कलर्स को एग्जिबिट करता है ये जो सेवन कलर्स की लाइट विजिबल लाइट में प्रेजेंट होती है सनलाइट में प्रेजेंट होती है इस पर्टिकुलर लाइट को हम फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस के नाम से जानते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का मतलब है कि इस वेवलेंथ की लाइट में ही फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सेवन कलर्स में अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है अलग अलग कलर की एनर्जी अलग अलग होती है जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती हैं जिनके अंदर सनलाइट के इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है एक्चुअली क्लोरोफिल पिगमेंट मोस्टली एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी ऑफ वॉयलेट एनर्जी ऑफ ब्लू कलर एनर्जी ऑफ रेड कलर इस बिहाफ़ पे हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड होती है जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वॉयलेट कलर में ब्लू कलर में रेड कलर में ये एक क्वेश्चन वन वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस कलर में मैक्सिमम होती है अगर वन लाइन आंसर पूछा गया है तो आप पूरा आंसर देंगे अगर वन वर्ड में आपसे आंसर पूछा गया है तो आप रेड कलर लिखेंगे क्लियर स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल अब हम क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले ही मैंने बताया आपको कि क्लोरोफिल एक्चुअली एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है ग्रीन प्लांट पार्ट्स सच एज ग्रीन स्टेम्स ग्रीन ब्रांचेस ग्रीन लीव्स। दिस क्लोरोफिल पिगमेंट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सोलर सोलर लाइट एंड प्रोड्यूस फूड कंटिन्यूसली वी आर डिस्कसिंग दैट फोटो सिंथिस इज टेकिंग प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेसिफिकली इन लीव्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है लीव्स में होती है तो अब उसी के बिहाव पे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की मीनिंग है वो कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस लार्ज अमाउंट में ग्रीन लीव्स में होती है अब ग्रीन लीव्स में भी वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर ये प्रोसेस परफॉर्म होती है ग्रीन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑग्नील पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑग्नील में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाई जाती हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं इसलिए हम कहते हैं कि एक्चुअल साइट जो फोटोसिंथेसिस की है वो क्लोरोप्लास्ट है अगर आपके एग्जाम में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है तो आपका पहला आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट विद इन ब्रैकेट यू कैन राइट ग्रीन लीव्स क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होती हैं क्लियर स्टूडेंट्स अब बात आती है कि ग्रीन लीव्स ये प्रोसेस परफॉर्म करती हैं तो लीव्स का स्ट्रक्चर लीफ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ये एक सिंपल लीफ है इस लीफ को आप देखिए इस लीफ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं सबसे पहले एक स्टॉक जिसे हम लीफ स्टॉक कहते हैं ये स्टॉक जो है कंटिन्यू कर रही है और लीफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसे हम मिड्रिप कहते हैं साथ ही साथ मिड्रिप से बहुत सारे फर्केशंस निकले हुए हैं जिसे हम वेंस के नाम से जानते हैं और ये पूरा फ्लैट पार्ट जो लीफ का होता है जिस पर सनलाइट फॉल करती है इस पार्ट को हम लीफ ब्लेड या लेमाइना के नाम से जानते हैं इट इज अबाउट लीफ अब इस लीफ के एक सेक्शन को अगर हम कट कर लेते हैं ट्रांसफर्स मैनर में जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ तो आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है क्यूटिकल क्यूटिकल क्या होता है क्यूटिकल इज एक्चुअली अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द लीफ। वाटर प्रूफ एबिलिटी इसके अंदर होती है ये वाटर को जो है एंटर नहीं करने देता डायरेक्टली लीव्स पर अगर डायरेक्ट लीफ पर वाटर एंटर करने लगेंगी तो लीफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वाटर का एंट्रेंस केवल स्टोमेटा की मदद से होती है जैसे गैसेस स्टोमेटा की मदद से एंटर करती हैं एग्जिट करती हैं इसी तरीके से वाटर भी एंटर और एग्जिट स्टोमेटा की ही मदद से करता है लीफ के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं इस वैक्सी कवरिंग के नीचे की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं ठीक इसी तरीके से लोअर एपिडर्मिस और क्यूटिकल होती है इन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में दो स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं आप ऊपर की रो देखिए इस ऊपर की रो की जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड सेल्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं इन सेल्स को हम पैलीसेट सेल्स या पैलीसेट पेरेंट कायमा कहते हैं इन सेल्स के अंदर लार्ज क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गनील है इसके अलावा एक दूसरे टाइप की जो सेल्स आपको जो राउंडेड दिखाई दे रही हैं, ये राउंडेड सेल्स आप देख रहे हैं लूजली अरेंज्ड हैं। लूजली अरेंज्ड मींस दे हैव इंटर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस बिटवीन दैम इन सेल्स को हम स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं स्पॉन्जी सेल्स में भी आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगी तो पैलिसट सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स दीज टू स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मीजोफिल्स सेल्स और मीजोफिल सेल्स के ही अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेलोगनल पाया जाता है क्लियर अगर आप एक सिंगल पैलिसट सेल को देखेंगे तो आपको एक सेल है नॉर्मली एक प्लांट सेल है मार्जिनस पे आपको लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जूम करके इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं एक सिंगल अगर क्लोरोप्लास्ट को आप देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेरियसली शेप्ड मे बी रिबन शेप्ड मे बी बाई कॉन्केव मे बी डिस्क शेप इट्स इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्बरेन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी में एक जेली लाइक -like, एक प्रोटीनिशियस फ्लूड फिल्ड होता है उस जेली लाइक -like फ्लूड को वी मे कॉल इट एज मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ही अंदर ढेर सारे क्वाइन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे पर पाइलअप होते हैं इन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थैलोकवाइड्स कहते हैं आई एम रिपीटिंग क्लोरोप्लास्ट इज अ सेलोगनल it is made up of two membrane it is a double membranous cell organelle outer membrane and inner membrane in between these two membranes a proteinaceous a jelly-like fluid is filled this jelly-like fluid is called matrix in the matrix several क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर गेट पाइलअप अपन अपॉन ईच अदर दीज क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलोकॉयड्स इन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम थाइलोकवाइड्स के नाम से जानते हैं थाइलोकवाइड्स के कलेक्शन को हम ग्रेनम कहते हैं ये पूरा कलेक्शन है थैलोकॉइड का इसे हम ग्रेनम कहते हैं और ग्रेनम ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसे हम ग, ग्रेना के नाम से जानते हैं ग्रेनम इज सिंगुलर वर्ड ग्रेना इज प्लूरल वर्ड क्लियर स्टूडेंट्स एक लास्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं एक्चुअली जितने भी ग्रेनम हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लेमली क्लोरोप्लास्ट को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यही वो सेल ऑर्गेनि है जो जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है अब इस सेल ऑर्गेनिल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाई कहाँ पर जाती है आपने अभी थैलोकॉयड के बारे में पढ़ा आपने ग्रेनम के बारे में पढ़ा थाइलोकॉयड या ग्रेनम आपका आंसर थाइलोकॉयड भी हो सकता है आपका आंसर ग्रेनम भी हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट सेल में कहाँ पाई जाती है तो आप बताएंगे ग्रेनम में या थाइलोकॉइड भी आप आंसर लिख सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट थाइलोकॉइड्स में पाई जाती है और यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर परफॉर्म होती है ग्रेनम में परफॉर्म होती है इज दिस क्लियर टू एवरी वन थैंक यू